फॉर माई हायर सेकेंडरी पार्ट सेकंड मैंने एसपी स्कूल में एडमिशन लिया क्योंकि वहाँ पे एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था, सो इन ऑर्डर टू अवेल दैट, तो मैंने उसमें एडमिशन लिया। एंड उसके बाद मैंने एडमिशन लिया स्कॉस्ट, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट इज एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ये डिफरेंट है कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इंजीनियरिंग, इसमें सिविल भी है, मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, जो भी एग्जिस्टिंग इंजीनियरिंग है वो इसमें आ जाती है। तो आपको क्या मिलता है, यू बिकेम द मास्टर ऑफ ऑल, तो आपको फोकस एक जगह नहीं रखना पड़ा। आफ्टर दैट व्हेन आई फिनिश्ड माय बीटेक, जब मैंने खत्म किया उसके बाद आई क्वालिफाइड एग्जामिनेशन दैट इज कंडक्टेड बाय आईसीआर एंड आई गॉट द फर्स्ट रैंक इन दैट। तो उसके बाद मैंने एमटेक किया इन इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि न्यू दिल्ली में बेस्ड है, एंड आई डिड माय पीएचडी एज वेल। एंड बिफोर ज्वाइनिंग हियर एज असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं एज साइंटिस्ट ज्वाइन किया था एट नारम जो कि एक ट्रेनिंग एकेडमी है हैदराबाद में। मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था 2-2.5 साल पहले, और तब से लेके हमने कुछ टेक्नोलॉजीज बनाई है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एप्पल ग्रेडिंग होती थी हमारी, वो हाथ से ही करते हैं यूजुअली, उसमें लेबर बहुत ज्यादा लगता था, तो हमने एक लेबर ग्रेडर बनाया। उसके बाद यहाँ पे जो वॉलनट होते हैं उनको हल जो ऊपर होता है उठाने के लिए उसमें प्रॉब्लम लगती है, हमने वॉलनट हैलर बनाया और इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। या हम वर्मी कंपोस्ट यहाँ पे बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट को साफ करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं था, हमने वर्मी कंपोस्ट सीवर बनाया है।